लॉकडाउन में पार्ले जी बिस्किट की खूब बिक्री हुई। कुछ लोगों ने इसे स्टॉक करके रख लिया ताकि स्नैक्स की तरह खा सकें, तो प्रवासी मजदूरों जैसे लोगों के लिए यही इकलौता खाना बना। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच भले ही तमाम बिजनेस नुकसान झेल रहे हों, लेकिन पार्ले जी बिस्किट की इतनी अधिक बिक्री हुई है कि पिछले 42 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। महज 5 रुपये में मिलने वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए भी खूब मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद के खाया तो किसी को दूसरों ने मदद के तौर पर बिस्किट बांटे। बहुत से लोगों ने तो अपने घरों में पार्ले जी बिस्किट का स्टॉक जमा करके रख लिया। पार्ले जी 1938 से ही लोगों के बीच एक फेवरेट ब्रांड रहा है। लॉकडाउन के बीच इसने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बिस्किट बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि पार्ले कंपनी ने सेल्स नंबर तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर कहा कि मार्च, अप्रैल और मई पिछले 8 दशकों में उसके सबसे अच्छे महीने साबित रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ में 80-90% हिस्सेदारी पार्ले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी की रही है। पार्ले प्रोडक्ट ने अपने सबसे अच्छे बिकने वाले लेकिन कम कीमत वाले ब्रांड पार्ले जी पर फोकस किया, क्योंकि ग्राहकों की ओर से इसकी खूब डिमांड आ रही थी। कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी 1 हफ्ते के अंदर रीसेट कर दिया ताकि रिटेल आउटलेट पर बिस्किट की कमी न हो। लॉकडाउन के दौरान पार्ले जी बहुत से लोगों को आसान खाना बन गया। कुछ के लिए तो ये एक इकलौता खाना था। जो लोग रोटी नहीं खरीद सकते वह भी पार्ले जी बिस्किट खरीद सकते हैं।